हां जी प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, आज असी पंजाब अचीवमेंट सर्वे 2020 दी तैयारी दे तहत विषय गणित अध्याय पहला संख्यावां ते उप विषय संख्या विच अंकां दे स्थान बदलन नाल उन्हां दा स्थानक मूल बदल जांदा है ते आधारित MCQs पा बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हल करांगे। बच्चों, MCQs करन तो पहला आज वाले उप विषय दी तुहानू मैं दोहराई कराऊंगी एक छोटी जिही खेड विधि राही। आओ बच्चों, फिर इस खेड विधि दे विच साडी जमात दे तीन विद्यार्थना शरदा, अंजू अते प्रियांशी साडे नाल खेडणगे। बच्चों, शरदा, अंजू अते प्रियांशी ने अपनी अपनी कॉपी ते स्थानक मूल चार्ट बना लिया है। ये खेड खेडन दे लई सानू अपनी अपनी कापी ते स्थानक मूल चार्ट बनाना पड़ेगा, भाव साने की लिखना है, इकाइयां, दहाइयां, सैकड़ा। इसे तरह ही अंजू ने भी लिख लिता, इसे तरह ही प्रियांशी ने। हुन शरदा की करेगी, सब तो पहला डाइस सिटेगी। डाइस ते की आ गया एक, असी एक इस दे विच भरांगे। शरदा, तुसी केड़े खाने दे विच एक लिखना चाहने हो? सैकड़े दे स्थान ते। अंजू, तुसी दहाई दे स्थान ते। प्रियांशी, तुसी इकाई दे स्थान ते। इस तरह असी एक नू वक्रे वक्रे स्थाना ते लिख लिया। उस तो बाद अंजू डाइस सुटेगी। जदो अंजू ने डाउस सुटे आ ता एक आ गया। ता बच्चो, एक पहला आ चुकया है ता दुबारा फिर डाइस सुटेगी, किन्ना आया? तीन। शरदा, तुसी तीन किथे लिखना चाहने हो? इकाई वाले खाने च। अंजू लिखेगी सैकड़े वाले खाने च, अते प्रियांशी दहाई वाले खाने च। ठीक है, फिर हुन प्रियांशी दी बारी है। प्रियांशी ने डाई सुटिया अते पांज आया। ता हुन जेड़ा खाना बच गया है ओदे विच असी पांज लिख लांगे। शरदा दहाई वाले खाने दे विच पांज लिखेगी, अंजू इकाई वाले खाने दे विच, प्रियांशी सैकड़े वाले खाने दे विच। ता हुन बच्चो देखो अपनी संख्या किन्नी बनी। शरदा दी बनी संख्या 153, अंजू दी 315, प्रियांशी दी 531। हुन एदे विच्चों असी कोई भी अंक लै सकदे हां। मैं पांज अंक लैनी हां। ठीक है, हुन असी पांज दा स्थानक मूल लिखांगे। स्थानक मूल तो भाव है कि अंक केड़े स्थान ते पिया है, इकाई दे स्थान ते, दहाई दे स्थान ते, या सैकड़े दे स्थान ते। ओदे मुताबिक अपा स्थानक मूल लिखांगे। ठीक है, हुन देखो शरदा सब तो पहला पांज दा स्थानक मूल दसेगी। हां जी शरदा, 153 संख्या दे विच पांज दा स्थानक मूल की आवेगा? पांज दहाई दे स्थान ते है, इस करके पांज दा स्थानक मूल की बनिया? 50। शाबाश। उस तो बाद अंजू दी वारी है। अंजू दी संख्या किन्नी है? 315। ता अंजू पांज दा स्थानक मूल किन्ना आएगा? पांज इकाई दे स्थान ते है, इकाई दे स्थान ते स्थानक मूल सेम अंक खुद ही हुंदा है, ता पांज ही आ गया। उस तो बाद प्रियांशी दी संख्या किन्नी बनी है? 531। प्रियांशी दसो, तुहाडी संख्या दे विच पांज दा स्थानक मूल की होवेगा? पांज केड़े स्थान ते है? सैकड़े दे स्थान ते। पांज सैकड़े दे स्थान ते है, ते इस तो की भाव है? पांज सैकड़े भाव 500। ता इत्थे असी 500 लिख दवांगे। हुन बच्चो, तुसी एह सिख लिया है कि संख्या विच अंकां दे स्थान बदलन नाल उन्हां दा स्थानक मूल भी बदल जांदा है। जिवें शरदा ने पांज दहाई दे स्थान ते लिखिया ता स्थानक मूल 50 आया। अंजू ने पांज इकाई दे स्थान ते लिखिया ता स्थानक मूल 5 आया। प्रियांशी ने पांज सैकड़े दे स्थान ते लिखिया ता स्थानक मूल 500 आया। भाव स्थान बदलन नाल अंक दा स्थानक मूल भी बदल जांदा है। चलो हुण असी अपने MCQs वल वधदे हां। पहला साडा MCQ है संख्या 632 विच 6 अते 3 दे स्थानक मूल दा जोड़ पता करो। ऑप्शंस अपने कोल है 9, 63, 900, 630। सब तो
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 3 ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ? ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 30 ਆਏਗਾ। 6 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ? 6 ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 600। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 600 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 630। ਭਾਵ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੂਜਾ MCQ ਕੀ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 729, 581, 653 ਤੇ 245। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਹਾਈਆਂ ਨੇ? 2। ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ 581 ਵਿੱਚ 8 ਦਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ MCQ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ MCQ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖਿਆਵਾਂ 846 ਤੇ 864 ਵਿੱਚ ਅੰਕ 4 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੱਚਿਓ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, 846 ਤੇ 864, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 40 ਤੇ 4, 400 ਤੇ 40, 400 ਤੇ 4, 40 ਤੇ 40। ਪਹਿਲਾ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 846। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ? 40, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ? ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 40। ਅਤੇ 864 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ? ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ? 4। ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ? 40 ਤੇ 4। 40 ਤੇ 4 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ MCQ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ MCQs ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।